मैं अल्लाह से आखिर में दुआ करता हूं कि या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या लतीफ, या लतीफ, या अल्लाह आप रज़ाक हैं, या अल्लाह आप मालिक हैं, या अल्लाह आप रहमान हैं, या अल्लाह आप यासीन हैं, आप कुद्दूस हैं, या अल्लाह आप रज़ाक हैं। रब्बे करीम हमारे दिलों को मिला दीजिए। अल्लाह अल्लाह हम आपके सामने आपसे भीख मांग रहे हैं। या अल्लाह हम बेसहारा हैं। यार अल्लाह, या अल्लाह ये लोग जुल्म के साये में हमारे बुजुर्गों ने अपने बच्चों को पाला है। या अल्लाह जालिमों के जुल्म के साये में हमारी माओ ने बच्चों को पाला है। या अल्लाह कामयाबी देना आपका काम है। अल्लाह तेरे खजाने में कोई कमी नहीं आएगी अगर तू मजलिस को गुजरात में कामयाब कर दे। अल्लाह तेरे खजाने में कोई कमी नहीं आएगी अगर तू मजलिस को कामयाब कर दे। अल्लाह हम ये कामयाबी अपने साथ के लिए नहीं, या अल्लाह हम इन गरीबों के इंसाफ के लिए आपसे भीख मांग रहे हैं। अल्लाह हम आप अपनी जात के लिए नहीं, इन जालिमों के से छुटकारे के लिए आपसे भीख मांग रहे हैं। या रब्बुल आलमीन, या रहमान रहीमीन, या रज़ाक, या लतीफ, या लतीफ, या लतीफ, अल्लाह हमको कामयाबी से हमकिनार कर दे। अल्लाह साबिर को मिले बना उसकी जात के लिए नहीं बल्कि इन गरीबों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। अल्लाह तुझे वास्ता है तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह तुझे वास्ता है ते कमली वाले का। अल्लाह तुझे वास्ता है रहमतुल आलमीन का। अल्लाह तुझे वास्ता है सब गुम्मत के मकी का। हम गुनाहगार हैं मेरे रब, मगर तू गफूर रहीम है। अल्लाह हमारे दिलों का हाल तू जानता है। या अल्लाह मुझे इल्जामात की परवाह नहीं, जो इल्जाम लगाता है जालिम लगाने दीजिए। अल्लाह तू मेरे दिल का हाल जानने वाला है। अल्लाह तू मेरी नियत से वाकिफ है। परवरदिगार जमालपुर से साबिर को गरीबों के इंसाफ के लिए, मजलूमों के इंसाफ के लिए, कमजोरों को ताकतवर बनाने के लिए, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, वो फैक्ट्रियों को खुलाने के लिए, या अल्लाह साबिर को जमालपुर के मेले बना दे। या अल्लाह साबिर को जमालपुर के मेले बना दे। या अल्लाह हमारी गलतियों को माफ फरमा दे। अल्लाह हम गुनाहगार हैं, परवरदिगार तू गफूर रहीम है, तू रहमान है, तू रहीम है। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह जो लोग हमारे दिलों को तोड़ना चाहती हैं, जो हमारे इत्तेहाद को पारा पारा करना चाहते हैं, या रब्बे करीम तू उनको देख ले। अल्लाह तू उनको देख ले। तू साबिर के दिल का भी हाल जानता है, तू ओवैसी के भी दिल का हाल जानता है। अल्लाह हमारे नेक मकासिद में हमको कामयाब और कामरान कर दीजिए। अल्लाह 5 तारीख को पूरे जमालपुर की आवाम में मजलिस की मोहब्बत डाल दे। अल्लाह अल्लाह यहाँ पर इत्तेहाद को मजबूत बना दे। अल्लाह जमालपुर में साबिर को मेले बना दे, ताकि 100 साल तक गरीबों की आवाज गुजरात में गूंजती रहे। या अल्लाह साबिर को मेले बना दे, ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखे। अल्लाह साबिर को मेले बना दे, कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखे। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे अल्लाह, ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखे। या अल्लाह साबिर को मेले बना दे, ताकि किसी बच्चे को चौराहे पर लाकर लटों से मार कर उसकी बेइज्जती ना हो। अल्लाह साबिर को कामयाब कर दे, ताकि इन गरीबों की एक आवाज उठे अल्लाह, इन गरीबों की एक ताकत मिले अल्लाह। अल्लाह कामयाब कर दे। अल्लाह तेरे खजाने में कोई कमी आने वाली नहीं। अल्लाह तू रज़ाक है, तू हय्यू क़य्यूम है। अल्लाह कामयाब कर दे। परवरदिगार हम सब ने मेहनत की,
गलतियां की अपने लिहाज से, अल्लाह तू इसको कबूल भी फरमा ले। अल्लाह हमको कामयाब कर दे साबिर को इन गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, जालिमों से लड़ने के लिए यहाँ के MLA बनाकर गुजरात की असेंबली में भिजा दे।